हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में इस तरीके का एक जो हेयर बैंड या क्लिप्स वगैरह या क्लचर वगैरह होल्ड करने के लिए बनाने वाली हूँ। ये एक्चुअली रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके लिए मैंने लिया है पुराना फ्रिज मैट। आप पुराना टेबल मैट ले सकते हैं, फ्रिज मैट ले सकते हैं, और एक हैंगर लिया है मैंने, कोई भी पुराना हैंगर जो घर में हो, सीजर्स, और ये रिबन लिया मैंने। ये 2 मीटर रिबन लिया है मैंने। पहले हम इस साइड मैंने जैसे ये 1.5 इंच करीब कटिंग किया है, 1.5 इंच साइड में छोड़ के दोनों साइड मैंने कटिंग कर लिया 1.5 इंच। अब ये हो गया। अब उसके बाद 1 इंच फिर इधर साइड में थोड़ा सा छोड़ के 1 इंच हम ये काट लेंगे। ये पट्टी 1 इंच की है, सबसे लास्ट वाली 1.5 इंच की, फिर ये 1 इंच की। इसी तरीके से हम दोनों साइड करके फिर इसको ऊपर से ऐसे बीच वाला जो 1 इंच की पट्टी है उसको हम बीच से इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे, और ऊपर लगभग 1.5 से 2 इंच स्पेस छोड़ना है हमें। ये पूरा ऊपर तक नहीं काटना, इस तरीके से छोड़ना है, इस तरीके की पट्टी निकल जाएगी। ये हो गया हमारा इस तरीके का तैयार। और सेंटर में हमें रिबन लगाना है। तो रिबन जैसे मैंने ये लिया है, मैंने सिल्क का नहीं लिया है क्योंकि सिल्क का रिबन में ये हो जाता है, हेयरबैंड वगैरह हम जब टांगते हैं तो वो उसमें उलझ जाता है, उसके धागे खींचते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का जो बिल्कुल बेसिक रिबन होता है ये लिया है। और ये काफ़ी सस्ता भी आता है, ये 2 मीटर लिया है, और इसकी चौड़ाई 1 से 1.5 इंच करीब है इस रिबन की। और इसको इस तरीके से सिलना है, आप चाहे मशीन से सिल सकते हैं। और जैसे मैंने ये सिला है उसके बाद फिर ये दोबारा जैसे एक लूप बनाया मैंने, फिर ये दूसरा, और इसमें लगभग इतना गैप या जिस हिसाब का आपको हेयरबैंड लगाना है। ये तो मैंने लगाया कि जिसमें आप आराम से जो थोड़ा सा चौड़ा हेयरबैंड भी होता है वो लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको सिलना है, ये इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से ये 2 मीटर रिबन है, और ये मैंने पूरा सिल लिया है, मैंने हाथ से ही सिला है। आप चाहे मशीन से सिल सकते हैं या चिपका भी सकते हैं, लेकिन सिलाई करने से ज़्यादा मजबूती आ जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ फेवी बॉन्ड गोंद लगाया, ये काफ़ी मजबूती से इसको चिपका देगा। फेविकॉल ना यूज़ करें, फेविकॉल से ये उखड़ जाएगा, या कोई भी फेविक्विक या कोई भी इस टाइप का गोंद यूज़ करें जो इसको अच्छी तरह से चिपका दे। ये चिपक गया है, इसको बिल्कुल सेंटर में ला के आपको इसे चिपका देना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमने थोड़ा सा छोड़ा था, इसको इस साइड बैक साइड लेके थोड़ा सा जो था उसे गोंद से चिपका देना है। अब जैसे मेरे पास ये स्टील का हैंगर है, मैं इसे भी लगा सकती हूँ, नहीं तो मेरे पास एक रेड कलर का हैंगर भी है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ क्योंकि इसमें बीच में मैंने रेड रिबन लगाया। और साइड में मैं इसको सिलाई कर रही हूँ, इसको जो स्काई ब्लू कलर का ये है मैट, तो मैंने इस कलर के धागे से ही हैंगर के साथ इसको स्टिच किया है जिससे ये मजबूत रहे, क्योंकि अगर हम इसको किसी चीज़ से चिपकाते तो ये उखड़ने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। मैंने 3 जगह सिलाई की है, आप चाहे ज़्यादा जगह भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके एंड्स हैं इसके, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, जो इसके कॉर्नर्स हैं शार्प हैं, इसलिए मैंने इसको गोलाई में इस तरीके से कटिंग कर लिया है जैसे कि हाथ में ना लगे, और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। और जैसे रबड़ बैंड वगैरह लगाने के लिए, जैसे मेरे पास ये पुरानी लिपस्टिक थी लैक्मे की, सॉरी लोटस की, तो इसका ये खाली पड़ा था, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं। नेल पेंट का ढक्कन होता है उसको आप लगा सकते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ों, और इसको जैसे रबड़ बैंड गिरे ना इसमें से, उसको रोकने के लिए किसी भी बोतल का ढक्कन आगे लगा दीजिए। वो मैंने अभी नहीं लगाया, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, आप उसको लगा दीजिए तो रबड़ बैंड वगैरह लगाएंगे नहीं गिरेगा। अब ये जैसे क्लिप्स मेरे पास इतने ही थे, आप इसमें कितने भी क्लिप्स क्लचर वगैरह लगा सकते हैं, और हेयरबैंड मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 ही हैं, तो ये मैं 3 लगा रही हूँ। आप इसमें कितने भी हेयरबैंड लगा सकते हैं, एक में आप 2-3 भी लगा सकते हैं एक लूप में। ये देखिए ये तैयार हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर वाले पार्ट में जो बारबी वगैरह के स्टिकर लगा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली लड़कियों के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए ये चीज़ होती है, तो बारबी के स्टिकर्स या जो बच्चों को पसंद है आप लगा सकते हैं, या इसको आप टांग सकते हैं कहीं पर भी, दीवार पर टांग सकते हैं। ये देखिए अच्छा लग रहा है। और इसको बनाने के लिए अगर आपके पास फ्रिज मैट टेबल मैट नहीं हो पुराना, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो बुकरम आता है सलवार में जो बॉटम में डलता है, अच्छी क्वालिटी का बुकरम लेके उसे किसी भी कलर से, फैब्रिक कलर से पेंट करके आप उसे बना सकते हैं, या किसी पुरानी जीन्स से बना सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस पे है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।